यस यस। तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड का स्लाइड शो तो हमने कर लिया था, रिकॉर्ड्स पे आते हैं। देखिए रिकॉर्ड्स में आप इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम प्रीव्यू देखते ओके हैं प्रिय। तो ये आपकी वीडियो वगैरह जो भी रिकॉर्ड हो रही है उसकी पूरी वीडियो वगैरह यहाँ पे बनती है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमारी दूसरी स्क्रीन पे चल रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना सर, दूसरी स्क्रीन का पार्ट, यस ठीक यस है ना। और ये पूरी की पूरी वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड हो रही है, ये बेसिकली प्रीव्यू है। अब मैं इसको यहाँ एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो एक्सपोर्ट के बाद या प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियोज MP4 फॉर्मेट में चाहिए, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम कैप्चर करेगा और आपकी वीडियोज को एक लोकेशंस में यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट में डाल रहा है, वो भी HD क्वालिटी में। तो कहने मतलब जो रिपोर्ट्स जो स्लाइड्स आप बनाते हैं उसको आप जो है वीडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे सर। यस सर। तो यहाँ ये आपका ये तो चीज है, सर ये ये जो जो पीपीटी पीपीटी बनाते हैं, बनाते हैं पीपीटी को पीपीटी को वीडियो वीडियो फॉर्मेट में फॉर्मेट में कन्वर्ट कन्वर्ट करने का करने क्या का क्या क्या लॉजिक है लॉजिक है मतलब? उसका। अच्छा देखिए जैसे कि मान आपने कभी कभी देखा होगा ना कि टीवी में एड्स आते हैं ना, जी जी सर। सर। तो कुछ एड्स तो ग्राफिकल होते हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारे माने पीपल्स होते हैं या कार्टून्स होते हैं। कुछ एड्स जो है सिर्फ इमेज पिक्चर्स के रूप में आते हैं, जी जी। तो अगर आपको आपने मान लीजिए देखिए होता है क्या है कि आप किसी को PPT भेजेंगे कि मान लीजिए आप आपने अपनी जो भी आपका जो प्रपोजल था उसको आपने PPT में बना के भेज दिया। अब सामने वाले बंदे के पास PPT होनी चाहिए जी जी, तभी देख पाएगा ना क्या। जी लेकिन प्रॉब्लम है कि उसके मोबाइल पे आप भेज रहे हो, मोबाइल पे उसके पास PPT है नहीं है, देखेगा कैसा देखेगा, वो एडिट भी कर सकता है ना। हाँ हाँ, तो आप उसको वीडियो फॉर्मेट में बना के देती है, वो वीडियो फॉर्मेट में प्ले कर लेगा व्हाट्सएप पे, आसानी से इसको आप भेज सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। यस तो सब सर। जैसे कि यहाँ देखिए फ्रॉम रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, फ्रॉम बिगिनिंग में आपका चला। अब इसकी यहाँ पे गॉट इट कर दिया हमने, एक से स्लाइड 117 स्लाइड्स है। और आप इसको अभी अब क्या है मैनुअल है, ठीक है ना। अभी हाँ देखिए यहाँ पे मेरा कैमरा ऑन है तो मेरी बातचीत भी रिकॉर्ड हो रही है, बट वीडियो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया हुआ है, माइक ऑन है बट कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ कैमरा ऑफ है, है। हाँ। तो कैमरा ऑन कर देंगे तो कैमरा का भी जो है आएगा, अच्छा अच्छा ठीक है। यस सर। Yes, और फिर इसके बाद में लास्ट में आप शो कर दीजिए एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद प्रेजेंटेशंस और ये आपका जो का ये है आपका क्या बोलते हैं, ब्राउज करके लोकेशन चेंज कर दीजिए। इस पर लोकेशंस मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे पिक्चर्स पिक्चर्स, और ये वीडियो फॉर्मेट में एंड मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अभी थोड़ा सा टाइम लगाएगा और आपकी ये जो भी हमारी डिस्कशन हुई है उसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब बैक कर दीजिए अपना, कन्वर्ट कर यस दीजिएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम बिगिनिंग से कर दिया, फ्रॉम क्लेम स्लाइड, जैसे मान लीजिए कुछ क्रेन स्लाइड्स चाहिए तो क्रेन स्लाइड्स इसके याद कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा जो है स्लाइड रिकॉर्ड हो, आप चाहते हैं कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड, तो आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। आप चाहते हैं ऑडियो रिकॉर्ड हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर आप इसमें जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह डाली है उसको क्रिएट करना चाहते हैं, इस पूरे PPT को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टू वीडियोज, ठीक है, यहां से कर सकते हैं। अभी एक वीडियो बन रहा है उसको बनने दीजिए फिर बताता हूँ यस आपको। सर। यहाँ पे दिख रहा हो ना एक्सपोर्टिंग वीडियोज MP4 हो जाता है।
एक सक्सेसफुली हो गया है। अब देखिए इसका, इसको हम प्ले करते हैं, हम आते हैं इमेज में, डाला था ना हमने पिक्चर में, प्रेजेंटेशन सर पिक्चर्स में ही आपने डाला था। हाँ आ गया, देखिए हाँ यस दिख रहा है, यस ये भी वीडियो सर फॉर्मेट में बन गए। दिख रहा है सर, यस सर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सर बट सर बट इसमें इसमें आवाज नहीं आवाज आई नहीं ना। आई ना? हाँ आवाज नहीं आई, ये देखना है मुझे आवाज क्यों नहीं आई है। ऑडियो अब ऑडियो वगैरह जो भी हम रिकॉर्ड, यहाँ पे हमें ऑडियो अलग से डालना होता है सर। ऐसे में यहाँ पे अगर मान, यहाँ अच्छा पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए और जिस स्क्रीन को करेंगे वो स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा आप। अब रिकॉर्ड चालू हो गया, ये ऑडियो यहाँ से हट गया, यहाँ ऑडियो रख सकते हैं आ जाएगा, और हम जो भी ओपन करेंगे वो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। हो हो जाएगा। जाएगा, अभी रिकॉर्ड शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब अच्छा जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा वो है, रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड रहा हो होगा। रहा है। जी हाँ जी, अब ये ऊपर कर्सर रखें आ गया, इसको हम कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्ड। ठीक है, यस यस सर सर। बट ये रिकॉर्डिंग होके गया कहाँ, पहले देख लेते कि अलग वीडियो बनाया या फिर नहीं। वीडियो अलग नहीं निकला है इसका, इसमें ये तो यहाँ नहीं पे, आया यहाँ होगा पे आ, ये सर। आ गया ना सर, ये रहा। दिख रहा है सर, हाँ यस यहाँ पे प्ले, सर यहाँ से प्ले कर सकते हैं आप। अब अच्छा जो भी इसमें वॉइस भी एक्टिविटी हम है कर वो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, वॉइस भी है सर। अच्छा जी ठीक है, अब ये ऊपर कर्सर रखे आ हाँ गया, इसको हम कर देते हैं इस। लेकिन जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो हो गया ठीक है। अब मैं मान लीजिए कि इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने कि फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक किया हमने, हम्म। तो यहाँ तो हमने माइक म्यूट नहीं किया था, यह माइक होना चाहिए, और हम कैमरा को ऑफ कर देते हैं, बाकी माइक चलता रहेगा। और यहाँ रीटेक आ रहा है, करेंट स्लाइड फ्रॉम ऑल स्लाइड चाहिए, और इसके बाद हम यहाँ जो भी कर रहे हैं यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, 2 सेकेंड का है। इसके बाद ये देखिए, ये आपका चला, ये आपका चला। हाँ फिर दूसरा वाला जी अब इसको एक्सपोर्ट, सेलेक्ट मोर रिकॉर्डिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट है यहाँ पे, और एक मिनट नीचे क्या है, अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है, बट आता था ऑडियो सर। बिजली कभी कई कई बार एक्सप्लेनेशन वगैरह हम करते थे तो इसका हम देते थे तो इसमें आता था सर। हो हो सकता है मे सकता बी है मे बी अभी हम अभी लोग हम की लोग के ऑलरेडी वहां एक थर्ड पे पार्टी से है ना रिकॉर्डिंग चल एक रही है एंड सॉरी इस पे माइक माइक वो वो है तो है तो उसकी वजह उसकी से वजह नहीं से चल नहीं रहा चल हूँ। रहा। और एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी स्लाइड्स आपके सामने एक्सपोर्ट हो जाती है। फिर इसके अंदर ऑडियो वीडियो की झंझट नहीं होता है,
जो भी आपने जो एनिमेशन और जो भी चीजें लगा रखी है वो सबको ऑटोमेटिकली वीडियो फॉर्मेट में रन कर देगा, ठीक है ना। सिंपल अच्छा सेव है, शो शो इसको सेव कर दीजिए शो के फॉर्मेट में। शो फॉर्मेट में सेव होने से क्या होता है कि सामने वाला बंदा क्लिक करते ही उसका पावर बीआई ओपन हो जाए, ये प्योर पीवट ओपन हो जाता है। अच्छा मतलब कि कोई कोई एडिटिंग 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 कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकता है, सकता। सिर्फ और हाँ सिर्फ सिर्फ स्लाइड स्लाइड शो शो, होता रहेगा। जी, जब भी वो क्लिक करेगा तो स्लाइड शो हो जाएगा। ओके लेकिन उसको फ्रॉम ओपन कर देगा ना, यहाँ पे फाइल में फ्रॉम ओपन पे फिर उसकी एडिटिंग जी वगैरह कर जी सकता जी है, अच्छा ठीक है। जी ये सर। सर ये आपका यहाँ पे रिकॉर्ड्स के अंदर। रिव्यू में कुछ खास नहीं है, स्पेलिंग चेक वगैरह कर सकते हैं, कमेंट वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। व्यू में अगर आप आते हैं तो आप इसको नॉर्मल व्यू है, फिर व्यू आउटलाइन इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्लाइड्स व्यू आ हाँ जाएगा, नोट व्यूज आ जाएगा कि यहाँ पे स्लाइड और इसके नोट्स यहाँ डाल सकते हैं वन बाय वन सारे स्लाइड्स की। हाँ हाँ रीडिंग हाँ व्यू, रीडिंग व्यू में आएगा इस तरह के व्यू में। फिर स्लाइड मास्टर होता है, स्लाइड मास्टर में इस तरह का फॉर्मेट में आता है जहाँ पे हीडर एंड फुटर डेट और बाकी चीजें इसके अंदर हर स्लाइड में जाके मैनुअली डाल सकते हैं, अच्छा ठीक है। इसको स्लाइड मास्टर कहा जाता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैंग आउट मास्टर, हैंग आउट मतलब कि इसको इस तरह के प्रिंट आउट में आप निकाल सकते हैं, जो भी आप नोट्स वगैरह डाले होंगे ना हेडर फुटर सब यहाँ दिख जाएगा, इसकी प्रिंट आउट मतलब में आएगा। हेडर हेडर फूटर खाली के आठों के आठ स्लाइड जैसे नहीं ऐसे समझे, इन्होंने छोटे नहीं समझे छोटे। कि जैसे कि आपने व्यू में गए और आपने स्लाइड मास्टर कर दिया, तो स्लाइड मास्टर में आप यहाँ अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। पहली साइड में क्या था, दूसरी साइड में क्या था, तीसरी क्या था, चौथी साइड क्या था, इस पर अपने डिटेल्स डाल सकते हैं। ये प्रीव्यू में नहीं आएगा, ये अच्छा प्रीव्यू में प्रीव्यू नहीं आएगा, बट आपके डिटेल्स के लिए, में हाँ आपके डिटेल्स के लिए रहेगा, ठीक है ना। ओके okay। यहाँ हाँ यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको रूलर लाना जी है तो रूलर आ जाएगा, ग्रिड लाइन लाना है ग्रिड लाइन आ जाएगा, गाइड गाइड आ जाएगा, नोट्स नीचे देखिए नोट्स आ गए यहाँ पे, यहाँ पे अपना नोट्स दे सकते हैं। हाँ कमेंट कमेंट वमेंट हाँ कुछ भी। हाँ ये आपका राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा जैसा आप चाहें। अच्छा, जूम कर व्यू सकते हैं, फिट टू डायरेक्ट। विंडो, ये विंडो में फिट हो जाएगा। हाँ कलर चीज कर सकते हैं, कलर कैसा चाहिए। इसकी न्यू विंडो बनाना चाहते हैं तो आप न्यू विंडो बना सकते अच्छा हैं, लेकिन इसकी यूज खास नहीं होती है, ओके। और माइक्रोज तो हम्म। प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड माइक्रोज है, जिसमें आप कुछ चीजें बार बार करते हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये अब ये आपका यहाँ पे आपका पिवट पावर पॉइंट होता है खत्म। अब इसकी अच्छा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए।